हम बात कर रहे थे सिद्धू मूसे वाले की आप और मैं जी जी। कि उसने मूसा पिंड का नाम मानसा पिंड का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया। बिल्कुल। तो हम कश्मीर का जो नाम है वो म्यूजिक में मशहूर कर सकते हैं? जैसा कि आप आपने देखा है वो अपनी लेगेसी को लेके चलें, वो अपने कल्चर को लेके चलें। तो वो कौम है, मैं आपको बताऊं, अ मैन इज नोन बाय हिज फेस। फेस जो है आइडेंटिटी है। इसी तरीके से कल्चर जो है वो हमारे चेहरे का किरदार अदा करता है। तो अगर किसी कौम को ख़त्म करना हो तो उसकी सकाफत को ख़त्म कर दें, कौमें खुद ब खुद मिट जाती हैं। तो हम लोग अपने कल्चर को अगर कैरी करेंगे तो इंशाल्लाह हम अपना नाम जरूर पैदा करेंगे। कल्चर, कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। तो आशिक भाई आप कुछ? सर, इंसान की पहचान उसका चेहरा है, कौम की पहचान उसकी सकाफत होती है। आप तो मकबूजा से आए हैं ना, तो आप तो मकबूजा कश्मीर से हमारे पास। जैसे आपको मैंने ट्रेडिशनल जो हमारे ये आपका शाल भी है कश्मीरी, आप देखो किस तरह चनार का पत्ता भी बना हुआ। चनार का पत्ता भी है, जरा करीब करके दिखाएं। चनार का पत्ता ये निशानी है हमारी, ये बड़ा कीमती है कश्मीरियों के लिए। जी सर। बड़ा मुकद्दस भी है चनार का जी, पत्ता। जी सर, तो जी सर। यहाँ पाकिस्तान में आ गए आप, वहाँ पीछे कुछ लोग हैं आपकी फैमिली? सर, मेरी फैमिली है पीछे। मदर की डेथ हुई थी जिस वक्त बुरहान वानी शहीद हुआ था, तो उस वक्त जा सके? मैं नहीं जा सका सर, क्योंकि मेरी माँ को कितने अर्सा पहले देखा था आपने? 20 साल पहले। 20 साल पहले? 20 साल पहले। तो 20 साल के जब 3 दिन के बाद पता चला मुझे कि उसकी मेरी वालदा की डेथ हुई है, जब खबर मिली तो आपको क्या हो सकते हैं। फिर ये तो एक ही माँ तो नहीं, हजारों कश्मीरी यहाँ रहते हैं। अल्लाह ताला आपकी वालदा के दर्जात बुलंद करे, आमीन। उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, हमारी दुआ उनके लिए है और हमारा प्यार आपके साथ है हमेशा। जी सर, थैंक यू।